बंदा जो टीएमसी का बंदा जो अपने इलेक्शन स्पीच में बोल रहा था, हम 30% है, वो 70% है। आप सर जो आपको हेलो। ध्यान होगा कल कल के दिन टीएमसी बंदा जो है ना स्पीच दिया है, हाँ हम हाँ तीस बिल्कुल दे रहा परसेंट है था। वो 70% है, आज के दिन हम लोग चार पाकिस्तान इंडिया में बना सकते हैं। कितना दम रहेगा साला वो पब्लिक में इस तरह से बात करने के, देखिए उठा के जेल के अंदर डालने के। बेसिकली ऐसा है ना, ये तब तक बोलेगा जब तक ममता बैठी है वहां पे। जब ममता हट जाएगी तो इसको चार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डंडा पड़ेगा। अगर आज ये एक साहब बोल रहे थे आरएसएस के बारे में, आरएसएस टुडे इज ए डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं आप कभी आरएसएस वालों से बात कीजिए कभी आप भी, इतना ही ये पूछना मुझे था नहीं, उनसे। हाँ हाँ नहीं कभी भी ये सीधी बात नहीं करेंगे। अब ये उसमें रह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे था, वहां पे था, वहां था, रॉ ने खबर दी, इनको यही नहीं पता रॉ कब बना। और अभी देखिए कि एक जैसे आरएसएस के लीडर था, उन्होंने लिख दिया कि जो राव है ये मुसलमानों का इमाम है। अरे है वो भाई तुम गुमनामी कैसी बातें बाबा, करते हो। गुमनामी बाबा, हाँ पता नहीं, देखिए मैं ऐसी बातों में नहीं गुमनामी जाता, बाबा मैंने के बारे में मैं बोला हाँ। अच्छा फिर था। क्या है, अब जो इसका जो चीफ बैठा है आपका आरएसएस का, मोहन भागवत, वो कहते हैं कि ऐसा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश मिल जाएंगे। पता नहीं इनकी कहाँ की नॉलेज है, और ये बेसिकली अपने अपने उसी में घूमते रहते हैं। लेट देम डू, यू नो, इनको अपनी सोच में चलने दो। मिस्टर यू कम, यू नो, आपकी आपकी बात सुनना चाहते अलग ही दुनिया में है वो हैं। लोग। हाँ आई हैव टू मेक्स इनपुट अबाउट मुजीबुर रहमान। मुजीबुर ड्यूरिंग 1946 आई मीन कलकत्ता मैसेकर, उस वक्त ये मुजीबुर, हेलो आई एम ऑडिबल सर? या ओके ओके सर। ड्यूरिंग द कलकत्ता मैसेकर मुजीबुर रहमान विद द हेल्प ऑफ द देन आई थिंक ही वाज अ चीफ मिनिस्टर, सोलावर्दे, सरोवर, या सरोवर, उनके साथ दे वर टुगेदर डूइंग द मैसेकर्स, दे लीज ही वाज लीडिंग द मैसेकर्स। मुजीबुर रहमान, यस आई ऑन रिकॉर्ड द ढाका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर डिस्कसिंग अबाउट इट ऑन 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 रिकॉर्ड। दे वर डिस्कस ऑन सम न्यूज चैनल एटीएन न्यूज समथिंग लाइक दैट, दे वर डिस्कसिंग अबाउट इट। आई मीन द हिस्ट्री प्रोफेसर, हिस्ट्री प्रोफेसर, बंगाली प्रोफेसर, या दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट ऑन Rahman, रिकॉर्ड। I think sir, you are Sir, he was talking not a about the part of, great. He was not a part of India even. yes sir, during 1946 Calcutta massacre. So I think the due to karma he is Calcutta happier massacre sir. mein, he was not. He was not in India. He was somewhere nearby to that Chittagong and some area, Dhaka, Gikha, and he was not in the part of that area where there is 16th August direct action day ke din jo kuch bhi massacre hua, 33, 34,000 log jo mare gaye the. He was not a part of that particular action squad. Actually, जो partition जो हुआ करके विजेंद्र जो कह रहे थे, it was because of an urgency. 1948 के बाद ही इंडिया का जो जो इट इज नॉट इवन इंडिपेंडेंस, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर. वी कैन से इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर. We are एक्चुअली still living वी in हैव transfer बीन, of power. We are not independent still. We are legally now वी on आर transfer of ना power. आज के दिन यदि हम लोग इंडिपेंडेंट है, क्यों क्यों भाई कॉमनवेल्थ, किस चीज के लिए कॉमनवेल्थ चाहिए अपने को? ठीक है. और नंबर टू, उसके पहले है सर, हम लोग वो जो 1936 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कमिटी के बाद जब सेपरेशन हो गया बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स करके, उसके बाद सब एवरी सॉर्ट ऑफ जगलरी स्टार्टेड. द जिन्ना वांटेड टू ओनली बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Had only Nehru accepted that, India would have been united and there would have been no division at all. Number two, And one more thing, sir. The Nehru is actually a communist. He is a communist. He was in Russia yes, in very much. after 1940, 1918. After 1918, he was in. Yes, sir. Yes, sir. You have your own ideas. No about that. No issue about that. जब 1962 का वॉर हुआ ना, तो जो नेहरू का जो डिफेंस मिनिस्टर था, ही वॉज ए कॉम्युनिस्ट, क्या नाम था उसका मैं, तो नेहरू ने क्या किया कि नेहरू, इट्स ऑन रिकॉर्ड सर्टन थिंग, यू नो, नेहरू ने आर्मी चीफ, बिकॉज ही वॉज नॉट मिस गाइडिंग द आर्मी प्रॉपरली एंड ही वॉज ब्लॉकिंग दैम। बीच में क्या हुआ कि जितने भी हमारे जहाँ पे हाँ हमारे नेचुरली उस टाइम पे बुलेट्स वगैरह छोटी छोटी चीजें प्रोड्यूस होती थी, वहां पे उसने फैक्ट्री खोल दी इसकी, क्या कहते तुम्हारे टॉयज की। और नेहरू ने ये कहा आर्मी चीफ को उस टाइम पे कि आपको जो बात करनी है मेरे से मिलो, डोंट कम थ्रू है। मैं ये बात तो नहीं मानता, कहता कि नेहरू कॉम्युनिस्ट होगा, लेकिन नेहरू ने डिफेंस को इग्नोर किया, कुछ एरियाज में बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसका, और देखिए नेहरू को एक शौक से मरा, नेहरू क्या था, अपने आप को शो कर रहा था, ही डिडंट गो टू एनीथिंग, नाइदर
through towards America, north through towards इसने जो अपने आप को प्रोजेक्ट किया ना कि नॉन अलाइन में इसके साथ टीटो था, इसके साथ वो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, नासर था, इन तीनों का अच्छा ग्रुप था, और नेहरू को ये था कि बट नोबडी लाइक नेहरू बिकॉज ऑफ ए नॉन अलाइनमेंट अप्रोच, नाइदर अमेरिकन नॉर द रशियंस. तो नेहरू को एक चाइना ने ये कहा था कि वी विल टीच मिलस, चाइना भी हेट करता था फॉर दिस रीजन ओनली कि नेहरू एक अपने आप को अलग पर्सनैलिटी दिखा रहा था. ये जरूर है कि वर्ल्ड में नेहरू की उस टाइम अच्छी इमेज चल रही थी, मतलब वर्ल्ड में जैसे बाकी कंट्रीज है. आई जस्ट ओके सर, आई वाज जस्ट थैंक्स टू द thanks to the People Republic of China, they attack India so that India will not become a communist country. Otherwise, it will become or partially it was because of communist. Sir, it was already communist days, Baba. It was already communist days indirectly. आप देखिए कोई भी सोशलिस्ट कंट्री में हर जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट ही बनाते हैं, आपको कुछ साल पहले याद होगा, पता नहीं आपको, HMT करके कंपनी था जो गड़ी बनाती थी, कंपनी मतलब गवर्नमेंट गड़ी बनाती थी, गवर्नमेंट ट्रैक्टर बनाती थी, गवर्नमेंट कार बनाती थी, ट्रक बनाती थी, हर चीज बनाती थी. क्या उस तरह का पागलपन जो कि 200 साल पहले अमेरिका ने सीखा, इंडिया में 70 साल पहले भी नहीं सीखा, इसको पंडित करके ले, जो बोलते हैं क्योंकि ये लंदन में पढ़ गया है. आई हम्बली डिसएग्री विथ यू सर. नेहरू को आप जितने भी सपोर्ट करिए, He was not in favor of India. He was not in favor of a unified India. I have read in one of the novels by Matai, his own secretary, who has given an insight into what his antecedents are, how he and the first prime minister, that Jinnah is related, how he and this Sheikh Abdullah and all are related. They are brothers. Yes. नेहरू को किस चीज में प्लेस करता हूँ? मैं नेहरू को ना दो तीन चीजों में बड़ा प्लेस करता हूँ. किस चीज में प्लेस करता हूँ? एक तो नेहरू का, जैसे चाहे नॉन लाइन का जो भी हो, उसको नेहरू का बड़ा धक्का लगा जब चाइना ने अटैक किया, नोबडी केम टू हिज रेस्क्यू. मैं नेहरू को इसीलिए प्रेस करता हूँ कि इट वाज नेहरू. आप आज केरला में भी चले जाएंगे, जो उस टाइम पे वहां डैम्स बने हैं, दे आर ऑल, उनका जो बनाना काम शुरू किया था वो नेहरू ने किया था. दूसरी बात क्या है, नेहरू ने जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो नेहरू ने बनाई, जो इंडिया का बेस है. आज चाइना 80% स्टील प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए है. बाकी मैं ये नहीं कहता कि नेहरू की पॉलिसी सारी ठीक है, नहीं है, वो बात नहीं मैं कह रहा कि नेहरू ने गलतियां नहीं की. मैं सोचता हूँ, जहां तक मैं सोचता हूँ, नेहरू ने काफी, देखिए मैं पर्सनल पे नहीं जाता, दूसरी बात है कि नेहरू ने डिफेंस को बैडली इग्नोर किया और इसीलिए नेहरू की डेथ हुई. चौथी बात मैं ये कहूंगा कि जहां तक नेहरू की बात होगी, उस टाइम पे करप्शन नहीं, और बाकी, और पांचवी बात एक और कहूंगा कि ये पार्टीशन है, चाहे लोग जितना मर्जी इसको अपोज करें, आई थिंक दोज पीपल, द डर्टी पीपल, दे हैव गॉन आउट ऑफ इंडिया, दैट इज गुड. लेकिन सबसे खराब बात यह है कि यहां बाकियों को ठहरा हुआ, अगर ये बाकी भी चले जाते, हमारी कंट्री पूरी प्योर होती. दैट इज माय इशू. मैं नहीं चाहता कि हम पाकिस्तानी, जब डिवीजन हुआ था सर यस, जब डिवीजन हुआ था, जब पार्टीशन करने का मन बना लिया, ओके लेट अस डू पार्टीशन, लेट अस हैव एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन आल्सो. अभी वहां से आए हुए हिंदू लोगों को, देखिये सर, श्रीलंका में कच्चे तीव करके एक आईलैंड था, आपको याद होगा, कच्चे तीव करके एक आईलैंड था जो की इंडिया के साथ लगा हुआ था, उसको ले जाके श्रीलंका को गिफ्ट कर दी. उसके बाद चालू हुआ इंडियन फिशरमैन जितने भी अपने रामेश्वरम से थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ते हैं समुद्र के अंदर, पकड़ा जाते श्रीलंका के हाथ में. श्रीलंका वाले हर महीना 200 300 400 फिशरमैन को ले जाके डाल देते थे अंदर में. उस वक्त ये अपना LTT पैदा करी, साथ ही साथ ये दोनों हालातों में श्रीलंका और इंडिया के बीच के जो डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते गए. वो कच्चे थी, वो उसको हैंड ओवर करना गलत. By the way, LTT head was Prabhakaran, he is a Christian, he is not a Hindu. Maybe, I am not. देखिए, लेकिन एक मैं बात बताऊं आपको,
सुनिए, राइट, इज राइट, नहीं नहीं वो उसका मैं इशू नहीं बनाता, लेकिन मैं